पूरे हो गए, और जो इससे पहले 1,30,000 रुपया मकान बनाने के लिए मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है इन लोगों को दिया। साथ में जो आंशिक रूप से जो दरारें आई हुई थी लोगों के मकान में, उनके लिए 1 लाख रुपये जारी किए, जो पहले 10-15 हज़ार रुपये मात्र पैसे मिलते थे, उससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ। और ऐसे ही चलते चलते प्रदेश की विकास की पटरी को उन्होंने थमने नहीं दिया, सड़कों को खुलवाया, बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, पानी की व्यवस्था को ठीक किया, सड़कें खुलवाई, परिवहन व्यवस्था को ठीक किया। जितने तेजी से किया जा सकता था, विकट परिस्थितियों में हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने जिस मेहनत के साथ रात दिन मेहनत करके उन सड़कों को खोला, पानी की स्कीमों को बहाल किया, बिजली की स्कीमों को बहाल किया, वो सबके सामने है, उसके बारे में यहाँ ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय जयराम जी विपक्ष के नेता यहाँ कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं, गारंटियाँ पूरी नहीं हुई, आप सबको मालूम है अगर गारंटियाँ पूरी करनी है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा तो आपने दिया नहीं, आप बोलते हैं 90% जो है केंद्र सरकार से अनुदान आता है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था, स्पेशल पैकेज जो आपसे हमने मांग करी थी या सदन के अंदर, तो आप लोगों ने साथ देना चाहिए था, आपने कोई साथ नहीं दिया, आप कोई साथ नहीं दिया। और जो एक मरहम लगाना चाहिए था जनता के ऊपर, वो आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। इसके हटते माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सुखाश्रय योजना चलाई, जिसके तहत लगभग 4,000 से भी अधिक जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको उन्होंने लाभ पहुंचाए। साथ में एक मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना, एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन्होंने, जो ऐसी विधवाएं हैं या ऐसी एकल नारियां हैं हमारे प्रदेश के अंदर जिनके लिए घर बनाना भी मुश्किल होता है, उनको उन्होंने 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए जारी करने की बात कही। पूरे प्रदेश के अंदर 69 आदर्श अस्पताल खोलने की उन्होंने बात कही, इसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है, और सभी जो हमारे सिविल हॉस्पिटल थे मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आज वहां पर पूरा स्टाफ उन्होंने हमें मुहैया कराया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही में जो सड़कें हमारी खराब थी उनके लिए पूरे विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने पैसा दिया, आपदा राहत कोष के अंतर्गत जितना पैसा सरकार के अंतर्गत पास था वो उन्होंने लिया। आज कर्मचारियों की बात की जाती है, एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का ओपीएस को लेकर था, जो हमारी गारंटी में था, जिसको हमने पूरा किया। और साथ में युवाओं को नौकरी देने की बात थी, वहां पर जो हमने स्टार्टअप योजना चलाई है ई टैक्सियों के माध्यम से, वो एक बहुत ही लोगों युवाओं के बीच में लोकप्रिय हुई है, और उसमें लगभग 500 लोगों ने ई टैक्सी के माध्यम के लिए जो है अप्लाई किया है, तो बहुत जल्द वो उन्हें मिल जाएंगी, आजकल उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो हमारे सौर ऊर्जा के जो प्लांट थे, जो पूरे प्रदेश में कई जगह हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी सर्वे हो गए हैं, अन्य क्षेत्रों में भी सर्वे हो गए हैं, और उनके ऊपर काम भी चल रहा है। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो ये जो 1 वर्ष का जो कार्यकाल था, विपरीत परिस्थितियों में जब प्रदेश की जो आर्थिकी थी वो डमाडोल हो गई थी आपदा की वजह से, और कुछ जो आप लोग जो हमें देनदारियां छोड़ गए उसके बारे में भी आप यहाँ चर्चा नहीं करते, 10,000 करोड़ के आसपास देनदारियां आप छोड़ के गए कर्मचारियों की, और 75,000 करोड़ का आपने लोन लिया, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तो आप लोगों ने क्यों फिर लोन लिया? आज आप बोल रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपया लोन लेना पड़ता है हर महीने, तो उसके कारण क्या है? उसके बारे में भी तो आपको चर्चा करनी चाहिए, अपनी स्थिति भी यहां पर स्पष्ट करनी चाहिए कि आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री इस देश के हैं जैसा आप बोलते हैं, तो हमें हमारे प्रदेश को उनकी तरफ से क्या मिला? आपने अपने पिछले पूर्व 5 साल के कार्यालयों में लगभग 10 बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यहां पर लेकर आए, अन्य मंत्रियों को आप यहां लेकर आए, तो आप बताइए कि आप लोगों ने उनसे क्या, कौन सा स्पेशल पैकेज प्रदेश के लिए कोई लाया हो आपने, चाहे वो आर्थिक पैकेज हो चाहे इंडस्ट्रियल पैकेज हो, बड़े बड़े आपने इवेंट किए, उनका क्या हो? कुछ भी उसमें सामने नहीं आया। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोच लेना चाहिए कि आपने 5 साल में क्या कार्य किया। आपके ऊपर जनता का आक्रोश था, जनता ने उस आक्रोश के आपको दिखा दिया, और कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर गठन की, माननीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी उसमें मुख्यमंत्री बने, और अपने दूरदर्शी और जांबाज अंदाज से उन्होंने सभी का मुंह अपने साथ जोड़ा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यही नहीं, हमारे देश विदेश से उनको सराहना मिली है, उनके कार्य करने की जो शैली है, दूरदर्शी हैं और प्रदेश को एनवायरमेंट की उसमें जो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बसों की लाने की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट स्कूल बनाए जाने की बात की जा रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए 21,000 पद जो है प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कुछ इंटरव्यूज हो रहे हैं, कुछ अभी होने हैं, तो
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो हमारा ये बजट जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद आप देखिएगा किस प्रकार से हमारा प्रदेश फिर से एक बार तेजी से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता था। केवल मतलब विरोध करने के लिए आप जो मर्जी करें, लोगों के अगर कोई बात है, अगर कोई सड़कों पर आते हैं तो हो सकता है उनकी बातें कुछ उनके मन में हो जिनको हम जल्दी ही दूर करेंगे, आप चिंता ना करें। उपाध्यक्ष महोदय, समय की पाबंदी के चलते आपने बार बार वहां से आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसमें